एक टाइम पर बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाने वाली आसिन अचानक फिल्म इंडस्ट्री से गायब हो गई, पर क्यों और अब वे कहां है, चलिए आज आपको बताते हैं। आसिन का जन्म कोचीन में हुआ। अपने स्कूल डेज में आसिन एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हुआ करती थी और वे एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहती थी, पर 14 साल की उम्र में आसिन ने फैसला लिया कि वे एक बार एक्टिंग की दुनिया में जाकर देखेंगी फिल्में बनाने का एक्सपीरियंस कैसा होता है। इसके बाद उन्होंने जो पहली फिल्म की वो काफी हिट रही और देखते ही देखते वो टॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बन गई। इस दौरान उनके पास बॉलीवुड से ऑफर आने लगे और उन्होंने गजनी से बॉलीवुड में डेब्यू किया जो काफी हिट रही। इसके बाद उन्होंने सलमान खान के साथ लंदन ड्रीम्स नाम की फिल्म की और इस दौरान दोनों में दोस्ती हो गई। उन्होंने कई बड़े एक्टर्स के साथ कई हिट फिल्में दी, पर सलमान खान के साथ रेडी की शूटिंग के लिए वे श्रीलंका चली गई और वहां कुछ सोशल वर्क भी किया। इस पर तमिल फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें बायकॉट कर दिया क्योंकि श्रीलंका के लोगों और तमिल्स में 36 का आंकड़ा है। इसके बाद आसिन ने अपना पूरा ध्यान बॉलीवुड पे कर लिया और उन्होंने अक्षय कुमार के साथ खिलाड़ी 786 साइन की। फिल्म की शूटिंग के दौरान अक्षय ने उन्हें माइक्रोमैक्स के फाउंडर राहुल से मिलवाया और दोनों एक दूसरे से प्यार हो गया। 2016 में आसिन ने राहुल से शादी कर ली और बॉलीवुड छोड़ अपने पति के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई और अब उनकी एक बेटी भी है।